ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग और घर देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ आ गए। तो दोस्तों, हम सब है गोवा की गलियों में, और गोवा की गलियों में आप एक शानदार कार भी देख रहे हैं, और इस कार के अंदर दो शानदार लोग बैठे हैं, हम सभी के फेवरेट गुल्ली और बुल्ली। तो आखिरकार गुल्ली और बुल्ली गोवा पहुँच ही गए, और गुल्ली और बुल्ली ने गोवा पहुँचते ही सबसे पहले अपने लिए नई टोपी खरीदी है, और आई होप ये टोपी आप लोगों को भी पसंद आई होगी। लेकिन गुल्ली और बुल्ली अपने साथ सौंदा पोटी बॉय को लेके नहीं आए हैं। सौंदा पोटी बॉय सो रहा था, तभी गुल्ली और बुल्ली चुपके से निकल आए, और ये प्लान गुल्ली का था। बुल्ली तो कह रहा था कि सौंदा पोटी बॉय को साथ में ले लो, लेकिन गुल्ली ने मना कर दिया। उसने कहा कि सौंदा पोटी बॉय बहुत ज़्यादा पाद मारता है, जिससे गोवा की हवा बदबूदार हो जाएगी, और इस वजह से बुल्ली और गुल्ली सौंदा पोटी बॉय को साथ में नहीं लाए। और आप ये जो पीले रंग का होटल देख रहे हैं बड़ा वाला, इसी में गुल्ली और बुल्ली रुकने वाले हैं, और गुल्ली और बुल्ली घूम के इस होटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब रास्ता भटक गए थे, इसलिए ड्राइवर साहब को घूम के होटल की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर साहब एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि गोवा के लोग बहुत अच्छे होते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो आपने नोटिस की ही नहीं, बुल्ली की ये नई छतरी। गोवा में घुसते ही उसने टोपी के साथ साथ ये छतरी भी ले ली। गुल्ली कह रहा था अगर वो घूमने जाएगा तो छाता लेके जाएगा, क्योंकि बिना छाते के अगर वो बाहर जाएगा तो वो काला हो जाएगा, और गुल्ली नहीं चाहता कि वो काला हो जाए, इसलिए गुल्ली ने ये छाता भी खरीद लिया। और फाइनली गुल्ली और बुल्ली उस होटल के पास पहुंच गए। फिर गुल्ली और बुल्ली गाड़ी से उतर जाते हैं और ड्राइवर को पैसे देके होटल के अंदर चले जाते हैं। जब गुल्ली और बुल्ली रिसेप्शन पे पहुंचते हैं तो उन्हें उनका रूम बता दिया जाता है। फिर दोनों खुशी खुशी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जब वो दोनों रूम के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि रूम बहुत छोटा है, लेकिन ये रूम बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसलिए गुल्ली और बुल्ली इस रूम में रुकने के लिए राजी हो गए। फिर वो दोनों बेड पे बैठ जाते हैं और रूम को चारों तरफ से देखने लग जाते हैं। ये रूम सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है, और गुल्ली बुल्ली को इस रूम में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली मुझे तो भाई बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, तो मैं अब थोड़ी देर सो जाता हूँ। और इतना कह के बुल्ली बेड पर लेट जाता है, और बेड पे लेटते ही उसे तुरंत नींद आ जाती है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। वहीं बिल्ली बैठा बैठा सोच रहा है कि शाम को कहाँ पे जाया जाए, क्योंकि ये दोनों गोवा मस्ती करने के लिए आए हैं, और गुल्ली चाहता है कि वो पूरा गोवा घूम ले, इसलिए गुल्ली बैठा बैठा सोच रहा है। थोड़ी देर बाद गुल्ली भी वहीं पर लेट जाता है, क्योंकि गुल्ली बहुत थका हुआ है। जैसे ही गुल्ली सोने के लिए होता है तभी बुल्ली एक पाद मार देता है। उसके बाद लगातार बुल्ली दो तीन बार पाद देता है। इस पाद की बदबू की वजह से गुल्ली सो नहीं पाता, और वो उठ के बैठ जाता है, और फिर वो बुल्ली से बोलता है, अरे बुल्ली भाई, इसी पाद की वजह से मैं सौंदा पोटी बॉय को यहाँ नहीं लाया, और अब तुम सौंदा पोटी बॉय की कमी पूरी कर रहे हो, और तुम तो सौंदा पोटी बॉय से भी ज़्यादा बुरा पाद मारते हो। लेकिन बुल्ली कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि बुल्ली गहरी नींद में सोया हुआ है, और गुल्ली फिर से बैठा बैठा सोचने लग जाता है। तभी उसकी नज़र सामने एक बक्से की तरफ पड़ती है, और उसे दिखाई देता है कि बक्से में रोशनी सी जल रही है, और उसे कुछ अजीब सा लगता है। फिर वो उठ के उस बक्से के पास चला जाता है।
जैसे ही वो बक्से के पास आता है और अंदर देखता है तो उसे एक किताब दिखाई देती है। फिर वो बक्से में हाथ डाल के उस किताब को बाहर निकाल लेता है। और जब वो उस किताब को देखता है तो उसे वो किताब बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है और गुल्ली से ये किताब खुलती भी नहीं है। फिर गुल्ली किताब को इधर उधर घुमा के देखने लगता है। फिर गुल्ली की नज़र बीच वाले गोले पड़ती है और गुल्ली अपना हाथ उस गोले पर रख देता है कि तभी गुल्ली उस किताब के अंदर चला जाता है। उस किताब के अंदर जाते ही गुल्ली दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। और इस दुनिया में आके उसे और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है। ये एक मैजिकल दुनिया है और इस दुनिया में टाइम बहुत स्लो हो जाता है। मतलब गुल्ली अगर यहाँ पे एक दिन गुजारेगा तो इसका मतलब उसने 10 साल गुजार दिए। और इस दुनिया में आने के बाद किसी का मन वापस जाने का नहीं होता। गुल्ली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती और उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। गुल्ली का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा कि वो यहाँ से जाए और उसे पता भी नहीं चल रहा कि कितना टाइम हो गया है। गुल्ली की नींद पूरी हो जाती है और जब वो सो के उठता है तो वो देखता है आसपास में गुल्ली नहीं है। फिर वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और नीचे रिसेप्शन में आ जाता है। नीचे आके वो रिसेप्शन वाले से पूछता है, आपने यहाँ से गुल्ली को जाते हुए देखा है? मैंने ऊपर कमरे में देख लिया, ऊपर तो गुल्ली कहीं पे नहीं है। अगर आपने उसे जाते हुए देखा हो तो मुझे। फिर रिसेप्शन वाली सर हिला के मना कर देती है। फिर गुल्ली सोचने लग जाता है कि गुल्ली कहाँ गया होगा और वो होटल से बाहर आ जाता है। होटल से बाहर आने के बाद वो इधर उधर जाके गुल्ली को ढूंढने लग जाता है। गुल्ली को बहुत देर हो गई है लेकिन गुल्ली कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा और गुल्ली काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि ये नई नई जगह है और यहाँ पे अगर गुल्ली खो गया तो वो वापस होटल के पास नहीं आ पाएगा। और थोड़ी सी देर में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होते ही गुल्ली दौड़ के होटल की तरफ चला जाता है। कमरे में वापस आके वो फिर से इधर उधर देखने लग जाता है और उसकी नज़र भी उस वाले बक्से पर पड़ जाती है जिसमें मैजिकल किताब रखी है। और फिर वो उस बक्से की तरफ चला जाता है। बक्से के पास आते ही उसे अंदर वो किताब भी दिखाई दे जाती है और उसे लगता है कि ज़रूर इस किताब की वजह से गुल्ली गायब हुआ है और वो उस बक्से को बंद कर देता है। लेकिन गुल्ली को नहीं पता कि गुल्ली इस किताब के अंदर ही है और गुल्ली ने ये बक्सा बंद कर दिया है। दूसरी तरफ जहाँ पे गुल्ली है वहाँ पे ही बारिश हो जाती है और बारिश को होते देख गुल्ली को अपनी छतरी की याद आ जाती है और अब गुल्ली का मन वापस जाने का कर रहा है क्योंकि छतरी के साथ साथ गुल्ली को अपने दोस्त बुल्ली की भी याद आती है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो यहाँ से, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, कोई मेरी मदद करो मेरी कोई। ये आवाज़ बुल्ली को भी सुनाई देती है और बुल्ली को पता चलता है कि ये आवाज़ इस बक्से में से आ रही है। फिर बुल्ली उस बक्से के पास में जाता है और बक्सा खोलता है। जब वो बक्से खोलता है तो देखता है कि ये आवाज़ उस किताब में से ही आ रही है और ये आवाज़ तो गुल्ली। फिर बुल्ली तुरंत बाबा को फ़ोन लगा देता है।
और बोली सारी बातें बाबा को बता। और बाबा उसे बताते हैं कि किस तरह से गुल्ली इस किताब से बाहर निकलेगा। फिर बुल्ली पास में पड़े एक हथौड़े को उठाता है और किताब के ऊपर वाले शीशे को तोड़ देता है। उस शीशे को तोड़ते ही गुल्ली उसमें से बाहर आ जाता है। गुल्ली को देख के गुल्ली बहुत खुश हो जाता है और बुल्ली को देख के गुल्ली और भी ज़्यादा खुश हो, क्योंकि गुल्ली को अपने भाई बुल्ली की बहुत याद आ रही थी। इसके बाद गुल्ली उस बक्से से बाहर आता है और बुल्ली से बोलता है, भाई इस बक्से को बंद कर दो और इस किताब को बिल्कुल हाथ मत लगाना, जब हम वापस जाएंगे तो इस किताब को लेते जाएंगे और बाबा को दे देंगे, फिर इस किताब का जो करेंगे बाबा ही करेंगे। और बुल्ली फिर सर हिला के हाँ कर देता है। और इसके बाद गुल्ली और बुल्ली घूमने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये था गुल्ली बुल्ली और मैजिकल बुक का लास्ट पार्ट। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियो आती है आपको तुरंत मिल जाए। और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।